ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਵੱਲ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਨੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ। एक चर्चा पहला भी हुंदी रही है कि धोनी फिल्म उद्योग दा रुख कर सकते हैं। दरअसल अगस्त 2019 बॉलीवुड हंगामा च इस नूं लेके रिपोर्ट छपी सी। इस च सूत्रां दे हवाले ए दावा किया गया कि एमएस धोनी जल्द ही फिल्म उद्योग दा रुख करनगे। धोनी बतौर अदाकार नहीं सगो बतौर प्रोड्यूसर फिल्म उद्योग च आ सकते ने। धोनी कुछ अजिहे प्रोजेक्ट्स ते काम कर रहे ने जिस च ओ फिल्म उद्योग च कारपोरेट घराणियां नाल मिलके काम करना चाहुंदे ने। ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਾਇਓਪਿਕ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। इस चर्चा तो बाद हुन तक महेंद्र सिंह धोनी ने इससे कोई भी अधिकारित ऐलान नहीं किया। दसन योग है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो संन्यास ले लिया। इस बारे धोनी वालों खुद ऐलान किया गया। धोनी ने सोशल मीडिया राही एक खबर सांझी की, नाल ही उन्होंने लोगों का समर्थन करने लई धन्यवाद भी किया। धोनी ने इंस्टाग्राम से एक 4 मिनट लंबी वीडियो भी पोस्ट की जिस चो अपनी क्रिकेट की जिंदगी की एक झलक दिखा रहे ने। तुसी भी देखो ये वीडियो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं